पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर रेल मंत्री शेख राशिद ने परमाणु हमले की धमकी दी है। रेलवे मंत्री शेख राशिद अहमद ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास 125 से 150 ग्राम के परमाणु बम हैं, जो एक सीमित इलाके को अपना निशाना बना सकते हैं। शेख राशिद ने कहा, भारत ने दो सियासी गलती की। एक, भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया। अगर हिंदुस्तान परमाणु बम का परीक्षण नहीं करता तो पाकिस्तान भी नहीं करता। फिर दूसरी गलती पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कर दी है। ये मोदी की भूल है कि वह सोचते हैं कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की लड़ाई छोड़ देंगे। अब कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया में ज्वलंत बन गया है। शेख राशिद ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पीएम मोदी युद्ध से बचने की कोशिश करे नहीं तो ये दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच आखिरी युद्ध होगा। रेल मंत्री ने आगे कहा, अब भारत के साथ बातचीत तभी होगी जब वह संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत कश्मीर से अपना फैसला वापस लेगा। राशिद ने कहा कि कश्मीर पर विपक्ष और सरकार एकजुट है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।